बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सरजमीन माजी के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब, सबसे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी और सबसे बेहतरीन दिमाग रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल थी। हमें तो शायद कभी मौका ही ना मिले कि हम मोहिंजो दाड़ो, टेक्सला या हम जितने भी अपने एरियाज हैं, इंडस वैली, सिंध की तहजीब को बतौर स्टडी के तौर पर ले और यहां से बताएं कि दुनिया को कि दुनिया की सबसे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी जब दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं था तो यहां पर तमाम चीजें मौजूद थी, हम शायद ना पता कर पाए। गोरे पता कर रहे हैं और इसराइली पता कर रहे हैं। इसराइल में वहां के आर्कियोलॉजिस्ट ने, क्योंकि वहां पर पूरी एक मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है, आप जानते हैं कि इसराइल की जो तहजीब है, जो पहले फलस्तीन हुआ करता था एरिया, उसको अब उन्होंने इसराइल का नाम दे दिया और पाकिस्तान की सरजमीन जो सिंध कहलाया करती थी, जो इंडस वैली थी, मोहिंजो दाड़ो से लेकर आपकी दुनिया की बेहतरीन तहजीब इंडस वैली और इंतहाई आला तहजीब थी, ये असल में वो सर्च करते रहते हैं हमेशा से कि इसका ताल्लुक क्या था। अब इसराइल के आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पर चीज जो फाइंड आउट की है वो है कॉटन, और ये कॉटन कपास उनको मिली है और उन्होंने कहा ये कपास 7200 साल पुरानी है। लेकिन सबसे बढ़कर वो हैरान कुन बात ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर उग नहीं सकती थी ये कपास, ये ट्रॉपिकल वेदर के अंदर है और जिस तरह का मौसम है, ये असल में सिंध से आई है, यानी पाकिस्तान वाले इलाके से आई है जो कभी इंडस वैली हुआ करता था। अब इस बात को लेकर हैरान कुन तौर पर वो कह रहे हैं कि यानी जो इंडस वैली थी, हड़प्पा का मकाम था, टेक्सला वाली साइड थी, मोहिंजो दाड़ो और ये वो, यहाँ के लोग इससे पहले वो कहा करते थे कि जी कपास के हवाले से कोई जानता ही नहीं था, कपड़ा बनाया नहीं जाता था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांस ही नहीं था वो लेवल, सो लिहाजा इस सूरत हाल में कपड़ा बनाने का तो रवाज ही नहीं था, ऊन या किसी और चीज से कपड़ा बनाया जाता था। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जो पाकिस्तान की साइड इंडस वैली थी, असल में वो इतने एडवांस है टेक्नोलॉजी के अंदर कि उन्होंने कपास यानी कॉटन से कपड़ा बनाते थे जिस तरह आज बनाया जाता है, और वो ट्रेडिंग किया करते थे और वो ट्रेड करते करते फलस्तीन के इलाके तक आ गए, यानी उर्दन के इलाके तक आ गए, और ये आज वो कहते हैं जी इसराइल के, वो तो चूंकि इसको इसराइल कहते हैं, हमारा तो चूंकि जानना और मानना ये कि फलस्तीन है और वो हमेशा से रहेगा। अब वो कह रहे हैं कि वो यहां पर आए थे और आकर उन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग की थी, यानी वो वहां से कपास उगती थी, उगाते थे उसको और उसको यहाँ पर लाकर एक्सपोर्ट करते थे, और वो जो कम्युनिकेशन था, वो जरिया जो था, वो बड़े लेवल की उनके पास कौन सी ऐसी मशीनरी थी जो कपास को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होता है कि कॉटन के थ्रू टेक्नोलॉजी से वो कपड़ा बनाते थे, उस वक्त तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। देखिए पहले ही इंडस वैली और मोहिंजो दाड़ो, हड़प्पा, ये तमाम टेक्सला, ये जितनी भी साइड है वहां पर वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी थी कि उस दौर के अंदर जो उन्होंने मकानात बनाए थे, इवन कि आज भी मोहिंजो दाड़ो के अंदर वहां पर ईंटें उनको मिली है, वहां के लोगों ने सिंध में तो वो ईंटें चुरा ली है, उन्होंने अपने घर बनाने थे, उनको ईंटें नहीं मिली तो उन्होंने 7000 साल पुरानी ईंटें चुरा ली और वहां पर जाकर अपने घर में लगाई, वो ईंटें आज के मटेरियल से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। सोचिए 7200 साल में कितने तूफान आए। यहां तक आ गया कि मोहिंजो दाड़ो में जो मामला था कि यहां पर कोई बहुत बड़ी आग, यानी हाई लेवल की फॉरेन डिग्री हाई टेम्परेचर हुआ था जिसके बाद ये चीजें पिघल गई थी, लेकिन ईंटों को कुछ नहीं हुआ। आज भी उन्होंने कहा कि वो जो रास्ता उन्होंने बनाया हुआ था पानी निकलने का, ये जो हालिया सैलाब है सिंध के अंदर, पूरे का पूरा सिंध बह गया है और पानी खड़ा था, लेकिन जो हड़प्पा मोहिंजो दाड़ो वाला मकाम था वहां से पानी आया और अपना रास्ता बनाकर बाहर चला गया, यानी उसको कुछ नहीं हुआ। अब आप सोचिए उन्होंने किस लेवल पर देखा। इसी तरह पिंड दादर खान वाली साइड के ऊपर इतने जबरदस्त लोग थे कि उन्होंने यहां पर बैठकर अर्थ का रेडियस मालूम कर लिया, तो वो टेक्नोलॉजी किस लेवल की थी, हम तो तौफीक ही नहीं हमें पड़ती। आज इसराइल हमें बता रहा है कि ये लेवल, पहले वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं था, एक ख्याल किया जाता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो 12 हवारी से, उनमें से एक हवारी था जो यहाँ पर आया था और उसने आकर यहाँ पर एक महल तामीर किया और यहाँ पर जो हुक्मरान थे उनके लिए उन्होंने काम किया और बड़ा जबरदस्त आर्कियोलॉजिस्ट था,
यानी ये बातें तो कही जाती है, अब कुछ चीजें सच हो रही, पहले कहा जाता था ये बात है, अब वो कह रहे कि नहीं वो आते थे। अब वो इतना बड़ा सफर तय करके किस टेक्नोलॉजी पर आते थे और किस लेवल पर कपास को लेकर आना कि वहां पर जाकर एक्सपोर्ट करना, जाहिर सी बात है देखिए जब आप कपास किसी जगह लेकर जाएंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका ये मतलब है कि आपने वहां पर भी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि वहां पर भी वो कपड़ा बन सके या कुछ हो सके। तो यहाँ पर कपास ही उसको बनाने के लिए वो मीडियम लेकर जाना, क्योंकि बड़े पैमाने पर उसको किस तरह आप लेकर जा सकते हैं, समंदर ही समंदर पार करने हैं और हिंदुस्तान से आप लेकर वहां तक जाएंगे। इसका मतलब है कि इन एरियाज के अंदर जो तहजीब, टेक्नोलॉजी, जो इल्म था, जो लोग थे, जिस तरह आज देख लीजिए पूरी दुनिया, नासा क्या काम करता है कि दुनिया के जो सबसे करीम और ब्रेन सही लेवल के लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, उनको वो उठाते हैं, जाकर पासपोर्ट देते हैं, अमरीकी नेशनैलिटी देते हैं, उनकी औलादों को बुलाते हैं, ग्रीन कार्ड देते हैं, उनको पैसा, टेक्नोलॉजी सब देते हैं और कहते हैं हमारे लिए काम करो, और वो फिर डिस्कवरीज करके देते हैं। दुनिया के बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं उनमें पाकिस्तानी और इंडियंस आते हैं, नासा में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी और इंडियंस काम करते हैं, इसी तरह अरब के लोग वहां जाते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया से ब्रेन इकट्ठा किया है, जबरदस्त दिमाग, और वो वहां पर काम करती। यही सूरत हाल इंडस वैली की थी, मोहिंजो दाड़ो, ये टेक्सला का मकाम, ये वो तमाम की तमाम चीजें हैं कि जहां पर उस वक्त हाई लेवल की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और वो उसको एक्सपोर्ट करते थे। अब पूरी दुनिया के अंदर ये आप सोचिए कि हमने यहां पर क्या काम किया, हमने कौम को पढ़ने ही नहीं दिया, हमने रोटियों के लाले लगा दिया। आज हम जाकर देखें तो ये टेक्सला के मकाम, ये हड़प्पा, ये मोहिंजो दाड़ो, ये इंडस वैली, ये दुनिया की तहजीब और टेक्नोलॉजी का शाहकार है। यहाँ पर इन्होंने जो रास्ते बनाए हुए हैं, जो पानी के गुजरने का निज़ाम है, जिस तरह का वहाँ पर सैनिटरी सिस्टम है, कमाल सिस्टम है। आप ये देखिए कि ऐसे बाथरूम बनाए हुए हैं कि जो आज भी शायद ना बना सके, और उस वक्त तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी अहराम मिस्र के बारे में कहा जाता कि वो बड़ी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी से बनाया, उससे ज्यादा और बेहतरीन तहजीब है। और दुनिया के बारे में कहा जाता कि दुनिया की असल में तहजीब का जो आगाज हुआ था वो यहाँ से हुआ था। आप बताइए कितने डॉक्यूमेंट्रीज है, जब आपने पूरी कौम को लगा दिया है रोटियों के लाले के ऊपर कि आपने रोटियां खानी है, मईशत नहीं संभल पा रही, लोग रोटी नहीं कमा पा रहे, तो आप बताइए कि हम क्या तहकीक करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि हम दुनिया को बताते, ये लोग यहाँ पर आते, बजाय कि वो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान के मकाम पर सिंध में ये हाल है। अफसोस का मकाम ये है कि आप कम से कम दुनिया से, आज भी पूरी दुनिया से 150 साल पीछे जी रहे। यानी आप कभी गौर करें तो आपको 100 साल 150 साल पुरानी जो हालत है दुनिया की, तरक्की याफ्ता ममालिक की, वो आज आपको पाकिस्तान की नजर आई है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, वो भी मांगे तांगे की लेने से आप तरक्की याफ्ता नहीं हो जाते। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।